तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से मोदी को लगा तगड़ा झटका, पोलैंड और अमरीका से मोदी ने मांगी मदद, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जाने के फैसले का राज ठाकरे ने किया स्वागत, राज ठाकरे ने योगी की जमकर की तारीफ, कहा अगर महाराष्ट्र में भी होते योगी तो मस्जिदों से उतर जाते लाउड स्पीकर। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी हलचल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से दिया इस्तीफा। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश में आगरा रेलवे स्टेशन से मंदिर हटाने के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन, योगी का फूंका पुतला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन की मदद करने वालों पर हमला करेगा रूस, पोलैंड बुल्गेरिया की गैस आपूर्ति भी रूस ने रोकी, भारत पर भी हो सकता है नंबर। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान से जेल में मिलने के बाद अब ईदी लेकर परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन, अखिलेश यादव पर बोला हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन युद्ध से मोदी को लगा तगड़ा झटका, मोदी ने पोलैंड और अमरीका से मांगी मदद। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है और अब मोदी सरकार ने पोलैंड और अमरीका से मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे के आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी सरकार ने वंदे भारत रेलवे तैयार की थी और इस रेलवे के पहिए बनाने के लिए यूक्रेन को मोदी सरकार ने ऑर्डर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन से 36,000 रेल के पहिए मोदी सरकार ने $16 मिलियन में खरीदे थे, लेकिन आपको बता दें कि रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार को यह बड़ा झटका लगा। यूक्रेन में जो 36,000 पहियों के निर्माण के लिए मोदी सरकार ने पैसा दिया था, वो सब मोदी सरकार का पैसा मारा गया और यूक्रेन अब युद्ध में ग्रस्त है और उसने पहिए बनाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और मोदी सरकार ने पोलैंड और अमरीका से इस मामले को लेकर मदद मांगी है। अब पोलैंड, चेक गणराज्य और अमरीका मोदी सरकार के वंदे भारत ट्रेन के पहिए बनाकर देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका, बड़ा नुकसान रूस यूक्रेन युद्ध से मोदी सरकार को हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से हटाए गए लाउड स्पीकर से राज ठाकरे हुए खुश, योगी की जमकर तारीफ। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश में हनुमान चालीसा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। इसके अलावा उन्होंने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूँ और उनका आभारी हूँ। उन्होंने उद्धव पर तंज कसते हुए आगे लिखा है कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र योगी नहीं भोगी हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ही 11,000 मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए थे। इसके अलावा 35,000 मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया था, जबकि कुल 18,000 लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश से हटाए गए थे, जिनमें मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद शामिल थी, और 40,000 लाउड स्पीकरों की आवाज उत्तर प्रदेश में कम की गई थी, जिनमें से 4,000 मंदिर और गुरुद्वारे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ के काम से काफी खुश हुए हैं। आप की कराए इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान से जेल में मिलने के बाद अब ईदी लेकर परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान से जेल में मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन गुरुवार को रामपुर उनके घर पहुंचे हैं। प्रमोद कृष्णन ने आजम खान के परिजनों से मुलाकात की और ईदी भी परिवार के सदस्यों को भेंट की। प्रमोद कृष्णन ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव का ख्याल नहीं रखा तो आजम खान का कैसे रख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद ने दो दिन पहले ही सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी और आजम खान से मुलाकात होने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक जब आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे तो आजम खान ने मिलने से ही साफ इनकार कर दिया। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी में आजम खान उत्तर प्रदेश में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस में बड़ी हलचल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से मध्य प्रदेश में दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। गोविंद सिंह को अब नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में चुना गया है।
दरअसल आपको बता दें कि 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी थी, जिसके बाद कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष वहां पर बने थे और अब कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों ने योगी के खिलाफ खोला मोर्चा। आगरा में रेलवे स्टेशन से योगी ने मंदिर को हटाने का दिया था आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में अब उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठन उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के राजा की मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बने चामुंडा देवी मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और इस मंदिर को योगी सरकार ने अवैध बताया था। वहीं आपको बता दें कि मंदिर को तोड़ने का आदेश देने के बाद इस मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और हिंदूवादी संगठनों ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर इस मंदिर को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि चामुंडा देवी मंदिर 1716 वर्ग मीटर में बना है। इनमें से 172 वर्ग मीटर निर्माण प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। इसे हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने पहले मंदिर कमेटी को नोटिस जारी किया था। यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के अलावा ट्रेन की रफ्तार कम होने का हवाला देते हुए अवैध निर्माण नहीं हटने पर स्टेशन को यात्रियों के लिए बंद करने की बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने इसे तोड़ने का आदेश दिया तो हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में उतर आए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगी लागू, सीएम धामी ने किया ऐलान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार कई कानून लेकर आई। सबसे पहले मोदी सरकार 3 तलाक लेकर आई, उसके बाद CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई। अब इन दोनों कानून के बाद मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ तीसरा कानून लेकर आ रही है, जिसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने लागू करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने ऐलान किया है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला कानून पहला राज्य उत्तराखंड होगा और उत्तराखंड में सबसे पहले ये कानून को हम लागू करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन की मदद करने वालों पर हमला करेगा रूस, पोलैंड बुल्गेरिया की गैस आपूर्ति रोकी। या दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 2 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी दोनों देशों के बीच शांति की राह नहीं खोजी जा रही है। इस बीच रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन की मदद करने वालों पर हमला करने की चेतावनी आज दी है। साथ ही पोलैंड और बुल्गेरिया की गैस आपूर्ति रोककर उन देशों को जवाब देना शुरू किया है जो खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्स वर्ग में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में जो देश हस्तक्षेप करेंगे या यूक्रेन की मदद करेंगे उन देशों पर तत्काल हमला करने से रूस पीछे नहीं हटेगा। रूस के पास ऐसे देशों पर हमले के लिए पर्याप्त साधन संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश रूस को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते हैं किंतु उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिका पर भी कभी हमला रूस कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती बोली राष्ट्रपति पद मुझे नहीं मंजूर, वो देश का PM या UP का CM बनना चाहती हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि वह एक बार फिर यूपी की CM और आगे चल के देश की PM बनना चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं है। समाजवादी पार्टी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा है कि यदि दलित, वंचित, मुस्लिम और स्वर्ण समाज के गरीब पार्टी से दोबारा जुड़ जाते हैं तो उनका CM और PM बनना संभव है। एक दिन पहले ही अखिलेश ने कहा था कि बसपा ने विधानसभा चुनाव में अपना वोट भाजपा को दे दिया था, अब देखना है कि BJP उन्हें राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। तो इसी बात पर मायावती ने यह पलटवार किया। मायावती ने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति पद को स्वीकार नहीं करूंगी, मैं देश का PM या उत्तर प्रदेश की CM बनना चाहती हूं और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू यादव रिहा हुए, 1,00,000 रुपए के 2 बेल बॉन्ड भरने के बाद मिली जमानत। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके राजद सुप्रीमो लालू यादव जेल से रिहा आज हो गए हैं। उन्हें झारखंड की राजधानी रांची स्थित होटवार जेल के प्रबंधन ने जमानत दिलाई है। लालू यहाँ डोरेंट कोषागार से 139 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे थे। उनकी ओर से उनके वकील ने जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे जिले प्रबंधन ने बेल बॉन्ड भरने पर स्वीकार किए जाने का ऐलान किया। अब लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि जमानत पर बाहर आने के लिए लालू के वकील ने CBI कोर्ट में
जिसमें 1-1 लाख के 2 बेल बॉन्ड भरे हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट से 10-10 लाख के जमानत राशि भी कोर्ट में जमा कराए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लालू यादव अब जेल से बाहर आ गए हैं। और लालू यादव के जेल से बाहर आने के बाद भाजपा और जो है जेडीयू की मुश्किलें बिहार में बढ़ सकती हैं, क्योंकि लालू यादव अगर 6 महीने भी जेल से बाहर रहे तो बिहार में हर कीमत पर सरकार गिर जाएगी और फिर राजद की सरकार बिहार में बन जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका लालू के आने के बाद बीजेपी और जेडीयू को बिहार में लगने वाला है। जमानत नहीं।